क्या आपको पता है कि स्कैम 1992 के एक अहम किरदार मनु मानिक और धीरूभाई अंबानी के बीच एक बार काफी घमासान युद्ध हो गया था। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईपीओ आया 1978 में, तब कंपनी की प्राइस 50 रुपए तक चली गई और 1980 तक ये प्राइस 104 रुपए और 1982 तक ये प्राइस 186 रुपीस पर चली गई। इसी बीच मनु मानिक के बेयर कार्टेल ने कंपनी के शेयर शॉर्ट करना शुरू किया। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 3.5 लाख शेयर्स बेच दिए और इतने ज्यादा शेयर्स बेचने के बाद कंपनी की शेयर प्राइस गिरकर 131 रुपए पर आ गई। इस पूरे मामले की वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा और ये चीज धीरूभाई अंबानी को बिल्कुल रास नहीं आई। और उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने जो भी शेयर्स मार्केट में अवेलेबल थे सारे के सारे खरीद लिए और जब अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज करने के लिए बेयर कार्टेल को शेयर्स वापस खरीदने थे। और धीरूभाई अंबानी को ये चीज बहुत अच्छे से पता थी कि अगर वो शेयर्स खरीद नहीं पाए तो प्रॉब्लम शॉर्ट सेलर्स के लिए होगी और इसीलिए उन्होंने अपने ग्रुप के लोगों को शेयर्स बेचने के लिए मना कर दिया, जिससे स्टॉक मार्केट पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स का शॉर्टेज क्रिएट हुआ और शॉर्टेज इतना ज्यादा क्रिएट हुआ कि कुछ दिन तक स्टॉक मार्केट ही बंद करना पड़ा। ऐसी बिजनेस राइवलरीज को समझने के लिए जरूर कन्वे को सब्सक्राइब करें।